नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि है आमचूर वाला तूर दाल, खट्टा वाला तूर दाल। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगते हैं। दाल में कभी आमचूर के साथ आप बनाया तो मुझे कमेंट करके ये बताइए आपको कैसे लगे। अगर आप नहीं बनाए तो मेरे इस वीडियो को आप पूरी देखिए और आप भी बनाते रहिए ऐसे। अगर टेस्टी हो तो ही आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमचूर के तड़के वाली दाल बनाने के लिए यहाँ पे देखो हमने तूर दाल ले लिए हैं, अच्छे से धो लेंगे। धो लिया है अच्छे से। क्योंकि आमचूर का दाल होने वाला है इसलिए हम आमचूर को थोड़ा पानी में भिगो के रख देंगे एक 10 मिनट तक। दाल बॉईल होने के टाइम पे हम आमचूर को दाल के साथ नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बॉईल करने के लिए उबालने के लिए जाओ अगर उसमें खट्टा चीज़ दे दो तो वो चीज़ अच्छे से बॉईल नहीं होते। तो हम पहले दाल को हल्दी के साथ उबालेंगे। हम पानी दे देंगे थोड़ा सा ही पानी देंगे। जितना हमें चाहिए उबालने के लिए उतना ही पानी देंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी दे दो तो कुकर के बाहर आ सकते हैं पानी। अभी हम दे देंगे 1 चम्मच हल्दी की पाउडर। और जब तक उबाल नहीं आ जाए तब तक हम ऐसे क्लोज करके रखेंगे, कुकर को लॉक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी से लॉक कर दो तो जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो बाहर आ जाते हैं बॉयल होते वक्त, कुकर में जब सीटी पड़ता है तो बाहर आ जाते हैं। अगर आप उबल तक ऐसे ढक्कन लगा के रखोगे फिर लॉक करोगे तो पानी बाहर नहीं आएंगे। अभी देखो उबल आ गए हैं दाल में। अभी हम कुकर को लॉक कर देंगे, नमक भी हम अभी नहीं देंगे, उबाल होने के बाद तभी देंगे नमक। दाल बॉयल होने के लिए हम 2 सीटी ले लेंगे। अभी दाल बॉयल हो चुके हैं, गैस को कर देते हैं ऑफ और साइड में रख देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर आते हैं। दाल बॉयल हो चुके हैं आप देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तेल, फोरन,
लाल मिर्च, बेलीफ, अभी हम देंगे दाल को थोड़ा सा ही देंगे। अभी जो आमचूर रखे थे भिगो के वो आमचूर दे देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और नमक, अभी हम दे देंगे पूरा दाल। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा गरम पानी करके भी डाल सकते हो। मुझे इतना ही गाढ़ा रखना है दाल को। थोड़ा सा उबाल ले देंगे। दाल उबल चुकी है, अभी एक काम करना बाकी है। इसमें लेंगे थोड़ा सरसों का तेल, इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तेल में देंगे थोड़ा सा जीरा, और देंगे रेड चिल्ली, लाल मिर्च तोड़ के दे दिया है।
अभी इसमें हम दे देंगे। गैस को कर देते हैं, 5 मिनट के बाद फिर आते हैं। पाँच मिनट के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा दाल तैयार है। आप भी ऐसे बनाते रहिए आमचूर का तड़का वाला दाल और खा के, अगर आपको अच्छा लगा तो ही हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं कुछ अलग रेसिपी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए।